नमस्ते, मैं हूँ मैथिली और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के व्लॉग में। बहुत दिनों बाद हम लोग ऐसे मिल रहे हैं मेरे व्लॉग में मैथिलीज लाइफ यूट्यूब चैनल पर। तो आज काफ़ी लग रहा है कि हाँ, सब काम थोड़ा कम हो गया है क्योंकि रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ समेटना होता था, ऑर्गेनाइज करना होता था। तो फाइनली हम सबके रूम्स तो अच्छे से हम लोगों ने सजा लिए हैं। देखते रहिए ये व्लॉग और इसमें जानिए आगे की चीज़ें। आ जाओ मुझसे व्लॉग नहीं बन रहा तो मम्मी आई है हमारी हेल्प करने। हमारी लाडू बोल रही है मेरे को नहीं आता बोलने, मैं इससे सीख रही हूँ, देखिए इसको। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग तकिए में कवर लगा रहे हैं। यही काम रहे क्या है अभी करती है। तकिए में कवर लगाते लगाते मुझे याद आया कि आज व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि मम्मी तो मुझसे लगातार काम करवाती रहती है। तो मैं सोचे आपको दिखाऊं कि मैं कितना सारा काम करती हूँ। यस यस यस। आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी लोगों को अपना कमरा दिखाने वाली हूँ, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, मैस है। अभी मैंने कुछ भी चीज़ें अच्छे से जगह पे नहीं रखी हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। लगभग अच्छा है, लगभग ऊपर 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 से हमने कर दिया है सब काम। तो आज मम्मी बनाने जा रही है सत्तू का पूरी, तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे बनाती है, ये मज़ा आएगा। बाय बाय, आप सभी लोगों से मिलते हैं ये करके। तो बात हुई है कि मम्मी की जितनी सेविंग्स थी वो बैग हनी को पता चल गया, तो हनी ने धीरे धीरे करके मम्मी का सारा सेविंग, मतलब छुपाए हुए जो पापा वाले पैसे थे, वो हनी ने सब खर्च कर दिए। तो इसलिए मम्मी बहुत गुस्सा है हनी से। हाँ, तो आपको मैं अपना रूम दिखाने वाली थी, तो ये है मेरा रूम। तो ये है मेरा कमरा, कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो है ये बुक शेल्फ जो हाल ही में हमने लगाया है और बहुत सुंदर है, मेरा फेवरेट हो गया है ये स्पॉट तो। और उसके बाद ये देखने को मिलेगा आपको, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली वो मुझे मालूम नहीं। ये हमने ये बक्सा रखा हुआ है यहाँ पे जिसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। और ऊपर तो ये जो दो छोटे छोटे ड्रॉर्स हैं, इसमें हम लोग का कुछ भी आ जाता है, कुछ भी रख देते हैं, जैसे ईयरफोन्स हो गया, कंघी हो गया। अभी तो कुछ भी ऐसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। और ये जो है यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े रखती हूँ और इसमें मेरा सारा काम चल जाता है। पे ये मेरा रूम है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एक मिथिला पेंटिंग होना मैंडेटरी है। ये राम सीता जी हैं और उनके विवाह का ये थोड़ा दर्शाया गया है इधर मिथिला पेंटिंग में। ये मम्मी पापा हैं, ये मम्मी पापा के बहुत पहले की फ़ोटो है। और ये सारा सामान अभी हम लोग को जगह पर लगाना है, तो इसलिए ऐसे ही हैं, ये सारा सामान ऐसे ही है। और ये रहा मेरा बेड, ये रहा मेरा साइड टेबल, यहाँ पे हमेशा पानी रहता है चाहे मैं पीऊँ या ना पीऊँ। और इसमें मेरा सारा ज़रूरत का सामान, बोरोलिन मेरा फेवरेट। एक नेल पेंट है जो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं लगाऊंगी लगाऊंगी लेकिन समय नहीं मिलता है। ये चार्जर, ये पाउडर मम्मी के लिए, कुरकुरे, ये मैं रात में सोते सोते भूख लगती है तो थोड़ा सा खा लेती हूँ। और क्या, ये नीचे खाली है। और ये एरिया आप देख सकते हैं, मेरे दोनों भाइयों का कपड़ा इसी में रहता है। और मैं रोज सेंकती हूँ और तुम रोज खराब करते हो, तो जगह चेंज कर दियो क्या? यहाँ पे देखो, इसमें उसमें है तुम्हारा। तो जब तक मम्मी डिनर बनाना शुरू करती है तब तक मैं जल्दी से एडिट कर लेती हूँ रामचरितमानस का नेक्स्ट एपिसोड जो कल सुबह 6 बजे जाएगा। और डिनर में तो मैंने आप सभी लोगों को बता ही दिया आज सत्तू का पूरी बनने वाला है, तो कैसे बनता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तब तक मैं जल्दी से ये काम खत्म कर लेती हूँ। मंगल भव। मंगल भवन मंगल हारी। मम्मी आ चुकी है किचन से। तो वही मैं मम्मी दिखा रही थी सबको कि आपके और पापा की फोटो देखो कितना प्यारा है ये फोटो, है ना। मेरी मम्मी ऐसे दिखती थी पहले जब पापा थे तब का है, जब मैं टेंथ में थी तब का। मतलब ये दोनों अलग अलग फोटोज हैं, जोड़ दिया ऐसे। अरे भाई, एडिटिंग है, वाह। लेकिन मम्मी आप इसमें बहुत ही अलग लग रहे हो। अभी
ये है मेरी फोटो, ये वंदना दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये, तो मैं इसे संभाल के रखी हुई हूँ। और बाकी यही सब है मेरे घर में। तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में किचन के अंदर डायरेक्टली। बाय बाय। और मैं नहा करके तैयार हो गया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। लेवरेट डॉल लग रहा है। काम करो। तो अभी सबसे पहला काम मम्मी ने कहा है मुझे कि इस बर्तन में सत्तू चम्मच से डालते रहो। कब तक डालते रहो मम्मी? कितना? दो ही चम्मच डाले अभी। अभी डाला। देखो इसमें हम सरसों कच्चा तेल डालेंगे, फिर अचार का तेल मसाला डालेंगे। ए हनी पुतर उतार तो बेटा। अचार का तेल तो कौन सा? टॉप्स वाला? नहीं टॉप्स वाला नो, मैं अपना घर का दूंगी। ये वाला डब्बा उतार रही हूँ। तो मम्मी ने इस सत्तू में कितना तेल डाला है? मैं दो चम्मच तेल, सरसों का तेल। और उसके साथ ही मम्मी ने डाल दिया है हरी मिर्च, अदरक। इसमें कच्चा कच्चा डलता है। और ये स्वाद अनुसार नमक। और ये घर का बना हुआ अचार है, उसका तेल सिर्फ मम्मी डालेगी, है ना? तेल थोड़ा राई भी, मेन इसी का टेस्ट होता है गांव के जैसे, मजा आ जाएगा इसे। इसमें बीज निकल जाते हैं। तो ये बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। मम्मी ने इसमें लिया है सत्तू, जितना आपको पूरी बनाना है उस हिसाब से। उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, सरसों तेल दो चम्मच, और इसके बाद ये अचार का आपने देखा मम्मी ने राय डाला है। और इसमें धनिया पत्ता भर के डालते लेकिन था नहीं। ओके, काम चला सकते हैं वैसे भी। और इसमें नींबू गाड़ना है, मम्मी ने डेढ़ नींबू लिया है। को हाथ से उखड़ने दे फिर। सब हाथ ही से गूंथता है यार, क्यों शर्मा रहे हो आप? दादी माँ लोग इतना सुंदर हाथ से, मेरी माँ, जो स्वाद आता है। इसमें और पानी चाहिए? अभी रुको। सुनो, आधा चम्मच चुपके से डाल दे। नमक चुपके से क्यों डाले भाई? चुपके से डाल दे नमक। अच्छे से दूं? हाँ, आधा चम्मच। देखो भाई, हमारे घर में ना नमक थोड़ा तेज खाते हैं। आप किसको भाई बोल रहे हो? भाई है उसमें कोई? बहन। आने इसे कम दिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे घर में सत्तू का पूरी बन रहा है। आप लोग भी बनाएं और खाएं, आनंद लें। तो मेरी बेटी अरुणी बोलती है, मम्मी हमसे अच्छा से बोला नहीं जाता है, बार बार गलत हो रहा है, बताइए। मैं इससे सीखती हूँ जी के कितना अच्छा हैंडल कर लेती है हर एक बातों का, हर एक सिचुएशन का। हाँ, और ये बोल रही है जो मम्मी हमसे अच्छा से हो नहीं रहा। देखो मम्मी, अगर प्री रिकॉर्डेड में कुछ भी करती हो ना, चाहे वो व्लॉग हो चाहे कुछ भी हो, तब मेरे को बहुत संकोच होता है। लेकिन जब किसी सामने सामने बात कर रहे हो ना, तब तो कोई टेंशन नहीं होता। बल्कि हमको किसी और सामने में क्या बोलूं जो कहीं गलत ना हो जाए, बुरा ना लग जाए, बस ये सोचते सोचते बुरा हो ही जाता है। नहीं नहीं नहीं, तो आपकी बात को कौन बुरा मानेगा? हो जाता सामने वाले को। तो ये बन चुका है मसाला तैयार, बस थोड़ा सा पानी डाल करके, ताकि खाते टाइम में भखरे ना। हाँ। नहीं भखरे, भखरे मतलब कि खा रहे हैं और गिरते जा रहा है, ऐसा ना हो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल करके। अब क्या करना है? अब जाओ तुम लोग अपना म्यूजिक का करो, अब मैं आराम से बना रही हूँ। मेरे को बनाते हुए दिखा, इंतजार कर रहे हैं बेटा, बीच में बुला लूंगी। तो अभी मम्मी बोल रही है जाके रिकॉर्डिंग करो, मैं तब तक बना लेती हूँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं मम्मी, जब बनाओगे तो बताना मुझे। हाँ, मैं बुला लूंगी।
तो चलिए म्यूजिक रूम में। तो इधर रिकॉर्डिंग का सेटअप लग चुका है। आज सनी गाएगा पापा के यूट्यूब चैनल के लिए। तो मैं आपको कैसे बताऊँ, मम्मी ने पहले ही बना लिया था तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मम्मी ने अलग से ये जैसे आटा सानते हैं उसको सानने वक्त मम्मी ने इसमें अजवाइन डाल दिया था, थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया था, रिफाइंड ऑयल, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और उसको मम्मी बेल रही है मोटा मोटा। उसके बाद उसमें वो स्टफिंग कर रही है सत्तू का, और उसके बाद पूरी बना रही है। देखो इसका फिलिंग में ऐसे बिल्कुल दादी माँ स्टाइल, मैं नानी माँ स्टाइल। तब तक हाथ से नहीं करेंगे, हाथ से अच्छा होता है। फिर इसको बेलिए, नहीं फूटेगा। तो इसमें कितना सत्तू डाला नहीं निकला, निकला नहीं ना। कॉर्नर पर दबाएं, कच्चा नहीं रहेगा। बस तो आपने देखा ये कितना ज्यादा सिंपल था बनाना। तो आप सभी लोग अपने अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। और जैसे कि मैथी बनाएगी कल मम्मी खाएगी। और कमेंट्स में बताएं कि आप अगर बना रहे हैं तो आपका कैसा बन रहा है, आपका भखर तो नहीं रहा है? इजी होता है, करोगी तभी तो। हाँ, मैंने तो बनाया नहीं है इसीलिए मुझे मालूम नहीं, मम्मी ने बना दिया और आपने देख लिया। तो अपने अपने घरों में ट्राई करेगा। आज देखी हो ना तो कल बनाना। कल मेरी बारी है, कल मैं बनाऊंगी पक्का। इजी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ज्यादा लेट करूंगी तो मुझे डांटेंगे पापा। तो मैं जा रही हूँ म्यूजिक रूम में। के साथ सब कुछ इजी हो जाता था ना, वो भी बच्चे के लिए ना, सोचो ना। तो नहीं भी जो आता रहेगा ना, चलते हैं बनाते हैं। कितनी बुद्धिमत्ता वाली बातें बोल रही है मम्मी। पहले मम्मी को डर लगता था सत्तू का पूरी बनाने में, क्या मुझसे कैसे बनेगा। बहुत पहले की बात है, शुरू शुरू में जब शादी होके आई। हाँ तो पापा ऐसा बताते कि आपको खाना भी बनाने नहीं आता था उस समय। नहीं आता था इतना भी नहीं। हाँ लेकिन मैं डरती थी बहुत। अभी तो आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो मम्मी। मैं डरती थी बहुत, जो हमसे अब लाइट टू लाइट कैसे होगा। मैं बनाते हुए देखी थी माँ को, दादी माँ को, लेकिन। तो अभी हमारा रिकॉर्डिंग खत्म हो चुका है और पापा ने हनी को काम दिया है, हनी सनी दोनों को, कि ये सब नहीं दोनों को करना है, ये सब चीज़ को क्लियर करना है। और मेरा काम दिए हैं कि जल्दी से एडिट करना है ताकि सुबह 7 बजे हम अपलोड में लगा दें। तो आप लोग सुबह 6 बजे देखेंगे मेरे चैनल पे मानस पाठ, और 7 बजे पापा के चैनल पे एक मैथिली पारंपरिक गीत। तो अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं और अब खाना लगाऊंगी मैं पापा के लिए सबसे पहले। उसके बाद मैं तो बाद में खाऊंगी क्योंकि मैंने 1 कप भर के अरहर का दाल पी लिया है और मेरा पेट बिल्कुल फुल है। तो मैं और मम्मी थोड़ा बाद में खाएंगे। तो मैं पापा के लिए खाना परोस देती हूँ। सनी तू भी खाएगा? थोड़ा दे दे, खा लूंगा। और आपको एक चीज पता है, बताना जाना। तू दीदी गंदा शक्ल क्यों बना रही है?
ये लीजिए और बताइए टेस्ट करके कि कैसा लग रहा है। परफेक्ट है, परफेक्ट। कैसा लगा? झूठे क्यों कह दिए थी कि ठीक है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों का मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट में आकर के बताइएगा कि कैसा लगा। yes. और मैं अपलोड करती रहूँगी धीरे धीरे कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।